हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस डीएन के 3D मॉडल के बारे में। फ्रेंड्स, हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास जो आज का डिज़ाइन है ये हमारा वेस्ट फेसिंग डिज़ाइन है, मींस कि पश्चिम दिशा का ये हमारा डिज़ाइन है। वास्तु के अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। 40 फिट बाई 40 फिट में बना, 4 BHK का, मींस कि हमारे पास 4 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम के साथ 5 रूम का ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन है। तो इसी के 3D मॉडल के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का डिज़ाइन रहने वाला है, जो कि हमारे पास एक लेटेस्ट मॉडल है, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। इसी के 3D मॉडल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारे पास का 3D मॉडल रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा मॉडल है। तो इसमें फ्रेंड्स, यदि हम इसके फ्रंट की बात करें तो ये हमारे पास इसका 40 फिट का फ्रंट है, और गहराई की बात करें तो गहराई भी हमारे पास इसकी 40 ही फिट है, मीन्स कि 40 फिट बाई 40 फिट का ये हमारे पास अपना वेस्ट फेसिंग का हमारा डिज़ाइन है। और इसमें फ्रेंड्स, यदि हम इसके विंडोज़ की बात करें तो इसके चारों ही साइड में हमारा ये विंडोज़ का प्रोविज़न रहेगा, मीन्स कि चारों ही साइड में अपनी ही प्रॉपर्टी है, तो हमने चारों ही साइड में विंडो का प्रोविज़न रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका एलिवेशन है, और एलिवेशन की यदि हम इसके फिनिशिंग की बात करें तो हमारे पास इसमें टाइल का और पेंट का इसमें हमारे पास इसमें यूज रहेगा। ये हमारे पास इसमें पेंट की फिनिशिंग है, आप जो देख रहे हैं ग्रे पेंट देख रहे हैं, और इसमें आप जो गेरुआ टाइप का जो कलर देख रहे हैं ये हमारे पास इसमें पेंट फिनिश है। बाकी ये हमने इसमें टाइल का यूज किया हुआ है, ये हमारे पास इसमें टाइल की फिनिशिंग है, यहाँ पर हमारे पास ये टाइल की फिनिशिंग रहेगी, और ये हमारे पास इसमें यहाँ पर टाइल की फिनिशिंग हमने यूज किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये फ्रेंड्स हमारा मॉडल है, जो कि एलिवेशन डिज़ाइन है, और ये रहने वाला है हमारे पास का 3D में प्लान। ये हमारा 3D में प्लान होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की जो एंट्री है वो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट से, मींस कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में ये हमारे पास अपना मेन गेट रहेगा, और यहाँ से हमारे घर की मेन एंट्री रहेगी। ये हमारे पास यहाँ पे अपना कार की पार्किंग का स्पेस रहेगा, ये हमारे पास अपना पार्किंग एरिया है, जिसमें हम अपनी कोई भी कार वगैरह, स्कूटर, बाइक वगैरह यहाँ पर बहुत आसानी से हम यहाँ पर पार्क करा सकते हैं। घर के अंदर जाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 स्टेप का प्रोविजन रखा हुआ है, 2 से 3 स्टेप हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं, और ये हमारे पास इसमें सूज रैक का हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन रहेगा। ये हमारे पास अपना सूज रैक हमारे पास यहाँ पे रहेगा। घर के अंदर जाने के लिए हमारे पास जो मेन डोर है फ्रेंड्स, वो हमारे पास यहाँ से रहेगा, ये हमारे घर का मेन डोर होगा। और इस मेन डोर से जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है ड्राइंग रूम का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना ड्राइंग रूम रहेगा, जो कि एक हमारे पास बड़े साइज का ये हमारे पास अपना ड्राइंग रूम है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड में 3 स्लाइड विंडो रहेंगी, और इसके राइट साइड में हमारे पास यहाँ पर एक बड़े साइज का विंडो का प्रोविजन रहेगा। ये हमारे पास यहाँ पर विंडो रहेगा। तो ये हमारे पास अपना ड्राइंग रूम का हमारे पास प्रोविजन है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लिविंग रूम हमारे पास ये रहने वाला है। इस रूम को एज ए अपना फैमिली पर्पज़ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपना कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो गेस्ट वगैरह भी इसी रूम को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास अपना एक लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम हमारा ये रहने वाला है। घर के अंदर जैसे ही इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक बेडरूम का डिज़ाइन मिलेगा, ये हमारे पास अपना बेडरूम होगा। बेडरूम में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो इस विंडो से हमारा अपने इस बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम का ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन है, यहाँ पर हमारे पास ये बेडरूम रहेगा। साउथ ईस्ट में फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे किचन का डिज़ाइन रहेगा, ये हमारे पास अपना किचन होगा, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। किचन के साथ हमारे पास इसमें डाइनिंग एरिया भी हमारा अटैच रहने वाला है, ये हमारे पास अपना डाइनिंग टेबल रहेगा, जो कि हमारे पास है किचन के अंदर ही हमारे पास इसमें अटैच रहेगा। किचन के अंदर हमें मिलने वाली हैं 3 विंडोज़, तो तीनों विंडोज़ से हमारे अपने इस किचन का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना किचन का फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन है। ये फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से स्टेयर्स को अप कराया हुआ है, यहाँ से जाएंगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारे पास अपना स्टेयर्स का हमारा ये यहाँ पे डिज़ाइन रहने वाला है। और ये फ्रेंड्स हमारे पास रहने वाले हैं यहाँ पर हमारे 2 टॉयलेट, ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा। ये जो हमारा टॉयलेट है इसमें हमारे पास वादिंग एरिया और टॉयलेट सीट दोनों को इसके अंदर हमने कम्बाइंड ही रखा हुआ है। और यहाँ पर भी हमारे पास एक टॉयलेट मिलेगा, जो कि हमारे पास है इस वाले बेडरूम से हमारा अटैच रहेगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम होगा, और मास्टर बेडरूम के साथ हमारा एक अटैच टॉयलेट रहने वाला है। ये हमारे पास अपना अटैच टॉयलेट है, और इसमें भी हमारे पास वादिंग एरिया और टॉयलेट सीट दोनों को इसके अंदर भी हमने यहाँ पर एक कम्बाइंड ही रखा हुआ है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें एक टॉयलेट मिलेगा, जो कि ये जो हमारा टॉयलेट है इसमें भी हमारे पास ये वाला बेडरूम के साथ अटैच है। ये वाला हमारे पास बेडरूम है, इसमें हमारे पास ये टॉयलेट अटैच रहेगा, जिसमें हमारे पास ये वादिंग एरिया टॉयलेट सीट इसके अंदर भी हमने कम्बाइंड ही रखा हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे पास जो बेडरूम है, इस बेडरूम के साथ हमें 2 विंडो का प्रोविजन मिलने वाला है, 2 विंडोज़ रहेंगी, तो दोनों विंडोज़ से हमारे अपने इस बेडरूम का भी बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम का ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन रहेगा। और यहाँ पर मिलने वाला है हमें ये 4th बेडरूम का डिज़ाइन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 5th रूम का हमें डिज़ाइन मिलने वाला है।
और इस रूम के अंदर भी हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो इस विंडो से हमारा अपने इस बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना फिफ्थ हमारे पास ये रूम रहने वाला है। तो ये हमारे पास अपना फ्रेंड्स 3D में प्लान है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा प्लॉट है 40 फीट बाई 40 फीट का है, जिसके अंदर हमारे पास इसमें चार तो बेडरूम हैं, एक हमारे पास एक ड्राइंग रूम है, तीन टॉयलेट हैं जिसमें से दो बेडरूम के साथ अटैच हैं, और एक हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है। साथ हमारा गाड़ी की पार्किंग का भी एरिया है। तो काफ़ी कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया हुआ है, बहुत ही शानदार प्लान है। और वेस्ट फेसिंग का वास्तु के अकॉर्डिंग ये फ्रेंड्स हमारा प्लान है। तो ये हमारे पास अपना जो 3D में प्लान है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारे पास जो इसका एलिवेशन डिज़ाइन है, एलिवेशन डिज़ाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।